Dear students, in the yesterday's lecture, we have succinctly described the summary of this point. Today, I am going to teach you each and every line and have the commentary for every sentence of the point. And I want each and every one from you to open the page number 88 of your book, that is My Mother is 66, as we have already finished the fifth poem, which is called entitled Snowdrop. Now, this is the poem yesterday I have described the summary. Now, without further ado, I would like to describe each and every line, so I want you to listen carefully. Bismillah. Drive from my parents' home to Cochin last Friday morning. यहाँ पर पोइटिस जो कि कमला दास है बराबर दिलाते रहोगे मुझे कह रही है एक दफा का जिक्र है कि मैं अपनी वालिदा के साथ मैं बाबा से मिलने आई थी वालिदा के घर से पेरेंट के घर से निकलकर कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी पिछले फ्राइडे को और मेरी आई सा मे मदर बिसाइड्स मी मेरी वालिदा मेरे बगल में बैठी हुई थी डोर्स ओपन माउथ हर फेस एश वाइट डेट ऑफ अ कॉर्प्स यहाँ प्यारे बच्चों ये जो कमला दास का ये पोएम है दरअसल एक मादर और डॉक्टर के दरमियान एक इंटीमेट रैपर की बात करते हैं इंटीमेट रैपर की कमला दास की सारे पॉइंट जो है नॉर्मली ह्यूमन रिलेशनशिप के बेस पर होती है ये वाले जो पॉइंट है उसमें भी कमला दास कह रही है शायरा यहाँ पर पोइटेस को हम शायरा कहते हैं बेटा शायरा चूंकि ये अपने बाद में सब अगर जानिए शायरा का मतलब होता है पोइटेस यानी फीमेल पॉइंट तो शायरा ने यहाँ पर यह कहा या ये पूरा नज़्म एक बेटी का अपनी माँ के कहीं जज्बात का इजहार है ये कह रही है कि मेरी माँ जो कि अब 66 साल की हो चुकी है कल मैं जब जा रही थी तो मेरी वालिदा मुझे सी ऑफ करने के लिए साथ आई थी तो मैंने देखा मेरी वालिदा डोज कर चुकी थी हाँ अपनी वालिदा को डिस्क्राइब कर रही है पहली सिफत है डोज एट्रीब्यूट्स ऑफ ओल्ड एज मदर उसकी जो बूढ़ी वालिदा है उसकी सिफत बन रहती है पहले वो डोज कहते हैं बेटा डोज का मतलब होता है बेटा ऊंघना ऊंघना का मतलब होता है आप हल्की फुल्की नींद जो दिन में आप लेते हो या कभी कभार थके हारे लोग लेते हैं दरअसल ये तमाम चीजें ये बताती है कि उसकी वालिदा इतनी सोई हो चुकी थी कि गाड़ी के सीट में बैठने यानी घर से 2 घंटे चल गई गाड़ी के सीट में बैठने पर उसको इतनी थकान हुई थी तो उसने घूम लिया था ओपन माउथ उसका मुंह खुला था हर फेस एश लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स उसका चेहरा जो है एश एश का मतलब होता है बेटा पीला पड़ जाना यानी तेल पड़ जाना यहां कहेंगे कलरलेस पड़ जाना जैसे कि लाश का है आप कॉप्स का माना जानते हैं कल मैंने बताया था या हम लाश कहते हैं या नाश कहते हैं नाश शायरी कह रही है मैंने अपनी वालिदा को देखा उसने घूम लिया था और उसका मुंह खुला था उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि एक लाश का चेहरा हो गोया वो बुढ़ापे की कमजोरी और जोर की वजह से इतनी थकावट और जोर का मुशाहिदा कर रही थी जैसे कि कोई लाश हो देख कल मैंने एक्सप्लेन पूरा किया है देख शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड दरअसल वो सॉरी हाँ एक पांचवी के एंड रियलाइज द पेन और शायरा कहती है मुझे एक दर्द का एहसास हुआ देख शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड पर सून पुट देट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड शायरा कहती है ये मुझे दर्द महसूस हुआ लेकिन एक बात हकीकत है मेरी वालिदा उतनी ही बुरी लग रही है जितनी बुरी वो हो चुकी है यानी 66 साल की उम्र में एक कॉमन इंसान इतना ही बुरा होता है इतना कमजोर हो जाता है तो दरअसल शायर को क्लियर नहीं लगता है कि अगर मेरी माँ जो कि बूढ़ी हो चुकी है अनकरीब चली जाएगी यानी मर जाएगी लिहाजा वो दर्द जो कि होने वाला है मुस्तकबिल में उसको सोचकर शायर परेशान है पुट थाओ अवे पर सुन पुट थाओ अवे अब शायर जो कि माँ को देखते ही दर्द भरे ख्याल और गंभीर एहसास उसको खाए जा रहे थे लिहाजा अपना अटेंशन वालिदा से डाइवर्ट करने के लिए उस गम और अंदों से उस हम से दूर करने के लिए शायरा क्या करती है एंड लुक आउट शायरा बाहर देखती है बाहर क्या नजर मिलता है उसको 2 नजारे मिलते हैं एक मिलता है यंग ट्रीज सिप्रिंटिंग और दूसरा है मेरी चिल्ड्रन सिपिलिंग इन दोनों का माना करने ने बताया था आपने मुशायरा किया हो बेटा जब आप गाड़ी में चल रहे होते हैं तो आपके
वर्ब है सिप्रेंट, इस वर्ब सिप्रेंट, ये तो जीरंड हो गया सिप्रेंट, ये वर्ब का सिप्रेंट का माना होता है एक शॉर्ट डिस्टेंस को तय करने के लिए तेजी से दौड़ने का नाम सिप्रेंट है। तो जरा से दरख्ते हैं, ये हो गया हमारा डिस्टेंस रिलेटिव मोशन, ये हो गया दरख्तों का, हमारा गुजर हो दरख्तों का गुजर कुछ सेकंडों के लिए होता है, हमें पता है वो तेज दौड़ रही होती है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये एक मिसाल हो गई, शायर ने जब बाहर देखा लड़की के बाहर देखा, चूंकि उसको माँ को देखकर काफी कम एहसास हो रहा था, लिहाजा वो ख्याल दूर करने के लिए वो खिड़की के बाहर देखती है, तो देखती क्या है कि दरख्ते तेजी के साथ उसकी तरफ शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही देखती है। और दूसरा जो देखा उसने, मैन चिल्ड्रंस आर सिंपली, मैनी का मतलब होता है बेटा खुश हो खुर्रम, खुश हो खुर्रम, वो लोग जो खुशबाश होते हैं, चूंकि बच्चे उमूमन किसी किस्म की परेशानी को सीरियसली नहीं लेते हैं, किसी काम को सीरियसली लेते हैं, तो खुश होते हैं नेचुरली। और स्पिल का माना कल मैंने बताया था, स्पिल का मतलब होता है जैसे कि आपके प्याले का फिर तक कर पानी या चाय भरा हो, जॉब करते ही वहां चाय गिर जाता है, उसे भी स्पिल कहा जाता है, या कोई ट्रांसग्रेस करता है, ये कोई बोलते होते हैं उसको क्रॉस होकर बाहर निकलता है, उसको स्पिल कहते हैं। यहाँ माना इसलिए है कि बच्चे अमूमन माँ बाप बाहर के खतरे को देकर बच्चों को घर के अंदर मुकैद करते हैं, बांध रहते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा था, बच्चे बड़ी तादाद में अपने दायरों से बाहर आते दिख रहे थे खुशबाश। तो ये दोनों इमेज को शायर ने इस्तेमाल किया यहाँ क्या करने के लिए, कंट्रास्ट करने के लिए। कंट्रास्ट कहते हैं बेटा तारुस, तारुस का मतलब होता है यानी मेरी उसकी वालिदा जो कि 6 साल की हो चुकी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मोनोटोनस, मोनोटोनस या कहें कि हम ग्लूमी, उसकी वालिदा सुस्ती या ड्रेनरी, इस किस्म का इमेज का समूह रिप्रेजेंट करती है, गोया ये इंसानों की कमजोरी एग्जॉस्टनेस इस किस्म का मंजर है। और इसके बाद दरख्तों का उछल कूदना और बच्चों का घरों से बाहर खुशवास होकर आना ये करता है गोया कि उसकी वालिदा बहुत कमजोर है और जो बाकी दुनिया है जो अभी यंग है अभी यूथ को देश में है गोया वो खुशवास और खुशफर्रम अपनी जिंदगी के रहन सहन को चला रहे हैं। ये दोनों इन्हें जरा से यही बात बताने के लिए मकसूद था कि उसकी वालिदा कमजोर हो चुकी है, इसके बरक्स बाहर की सारी दुनिया जवान है, यानी जब किसी को गम का एहसास होता है तो वो एक अल्टीमेट रियलिटी को भूल जाता है। लेकिन शायर ने यहाँ फॉरगेटफुलनेस का मुजाहरा नहीं किया, शायर ने ये कहा नहीं मेरी वालिदा ही यहाँ कमजोर हो चुकी है, इसके बरक्स सारी दुनिया खुशबाश है। इसके बाद शायर कहती है आउट ऑफ देयर होम्स, सारे बच्चे अपने घरों के बाहर निकल गए थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टेड इन फ्यू यार्ड्स। अब वीडियो चूंकि काफी लंबा जा रहा है, आखिर इसमें जा रहे गया प्यारे बच्चों, इस इंतजाम में कल इंशाल्लाह खत्म करता हूं। अगर इस पॉइंट में कोई भी वर्ड कोई भी इमेज आपको समझ में नहीं आता है बिला डरे मुझे फोन करना बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, समझ में नहीं आएगा वो गुना आपके साथ, मैं फिर से एक बार आपको समझाऊंगा। कल मैंने सवारी समझाई थी और सेटल आइडिया, आज मैंने पॉइंट का समझा, कल एक चिंता समझाऊंगा, फिर भी अगर किसी बात को लेकर आपको कोई डाउट है तो विदाउट एनी आयोटा हेजिटेशन जस्ट फील फ्री टू कॉल मी एंड हैव योर आंसर्स। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर तमाम होता है, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 2-3 बार देखें और गौर से अपनी किताब का पेज नंबर 9 खोलकर आपका पॉइंट माय मदर से जो कि आपका 6 पॉइंट है प्लीज मैं गुजारिश करता हूँ। जहाँ तक होमवर्क होमवर्क का ताल्लुक है, अगर आपको पीछे दिए गए टेक्स्टुअल क्वेश्चन में से कोई आ जाते हैं तो आप करें, अगर मैं खुद अपने चैप्टर में करूँगा जैसे कि आप विजुअली करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।